हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारे 10th क्लास के चैप्टर 1 के लास्ट पार्ट से। इससे पहले के सारे पार्ट मैं कवर कर चुकी हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर 10th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करते हैं, होता क्या है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने चाइना डिश लिया है जिसमें हमने कॉपर पाउडर लिया है। यहाँ पे वायर गॉज लगाई हुई है, ट्राईपॉड स्टैंड, बर्नर, ये सब आपने लेबोरेटरी में देखा ही होगा। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं टू बर्न समथिंग और टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको हीट किया और आपने क्या ऑब्जर्व करा, ये हम बात करेंगे। द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर पाउडर था यहाँ पे जो हमने लिया था, इसकी सरफेस कवर्ड हो गई किससे, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से पूरा कवर हो। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, ये जो ब्लैक सब्सटेंस बना, फॉर्म हुआ, ये क्यों बना। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन हमने ऐड कर दी कॉपर में और इसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर का जो हीट करने पे क्या हुआ है, पूरा कलर चेंज हो गया, उसके ऊपर एक कोटिंग आ गई है ब्लैक कॉपर की, मतलब ब्लैक से, और उसको हमने बोला है कि वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। नीचे उसके लिए आपको एक इक्वेशन दिखा रखी है जिसमें कॉपर एंड ऑक्सीजन लिया हुआ है, उसको हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर आप इसमें क्या करोगे, हाइड्रोजन गैस को पास करते हुए इस हीटेड मटेरियल से, विच इज कॉपर ऑक्साइड जो बना है फाइनली, ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे, ये क्या होगा, जो पहले ब्लैक कोटिंग फॉर्म हुई थी ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, वो ब्लैक कोटिंग वापस हो जाएगी जैसे पहले कॉपर था उसमें। एज यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन हुआ है और दोबारा कॉपर मिल गया, वो नीचे हमने यहाँ पे शो कर, ठीक है। तो ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वही समझेंगे धीरे धीरे। अगर एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन गेन करता है एक रिएक्शन के टाइम पे, ठीक है, एक सब्सटेंस है अगर वो ऑक्सीजन गेन करता है एक रिएक्शन के टाइम पे, हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई हो या उस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया हो, ऐसे में हम उसको बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर देता है एक रिएक्शन के टाइम पे, तो हम कहते हैं कि भाई वो रिड्यूस हो गया है, यानी उसने ऑक्सीजन लूज कर दी है। तो यहाँ पे अगर गेन हुआ है तो ऑक्सीडाइज है, और अगर लूज हुआ है तो उसको बोलते हैं रिड्यूस हुआ है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन दैट इज 1.29, यहाँ वाले में देखिए जिसमें हाइड्रोजन पास करी, द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन इसके साथ थी, ये यहाँ पे इसने लूज कर दी, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये रिड्यूस हुआ है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन कर ली। इन अदर वर्ड, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा जो है उसके साथ क्या होता है, वो क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है एक रिएक्शन के टाइम। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक चीज का गेन हो रहा है एक चीज लॉस कर रहा है, मतलब एक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है एक रिएक्टेंट और दूसरा रिड्यूस कर रहा है, यानी लॉस कर रहा है, लॉस हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको जो ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर बना रहा है तो इसने ऑक्सीजन लूज करी, सो दिस वुड बी रिडक्शन। एंड यहाँ पे ये जो आपका हाइड्रोजन है इसने गेन कर ली, इसीलिए ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, और दोनों क्योंकि इसके अंदर हो रहे हैं तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड है। सेम वे में हम लोगों ने क्या कर रखा है, नीचे वाले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे दिखा भी रखा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक इन रिएक्शन, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl। मतलब जो ये पूरा रिएक्शन है इसमें एक चीज क्या कर रही है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रही है, एक चीज गेन कर रही है, एंड जब ऐसा कुछ होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कुछ इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, बेसिक भी आप याद करेंगे तो काफी सही रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी रहेगा और समझ में भी ज्यादा आएगा, ठीक है। फ्रॉम अबव एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यानी कि अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है और हाइड्रोजन लूज करता है एक रिएक्शन के टाइम पे, तो हम बोलते हैं इट इज ऑक्सीडाइज, यानी उसने ऑक्सीजन गेन कर ली और हाइड्रोजन लूज कर लिया तो हम उसको बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। समझ में आया आपको यहाँ पे।
एंड दूसरी चीज, इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, या फिर उसने या तो ऑक्सीजन लूज कर दी या फिर उसने हाइड्रोजन गेन कर लिया, दोनों में से कुछ भी हो गया तो हम बोलेंगे कि भाई वो इट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, एक मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है डैजलिंग फ्लेम के साथ एयर के अंदर, मतलब ऑब्वियसली आपने उसको बर्न किया है, और एक व्हाइट सब्सटेंस बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम बीइंग ऑक्साइड सॉरी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, जो आपका मैग्नीशियम था पहले वो उसके उसने ऑक्सीजन गेन करी है, मैग्नीशियम ने बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन करी है, एंड ऐसे उसमें इसको क्या बोलेंगे हम कि वो फाइनली आपका क्या बन गया है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, नाउ टू थिंग यू हैव टू रीड एज वेल, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहली चीज है कि क्या ऑक्सीडेशन का आपने कोई इफेक्ट देखा है डेली लाइफ में जो इसमें देखने को मिलता हो। सो फर्स्ट इज कोरोजन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। आपने देखा होगा कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत शाइनी होते हैं जब नए होते हैं, लेकिन अगर उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो वो रेडिश ब्राउन पाउडर उनके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, उनकी कोटिंग हो जाती है रेडिश ब्राउन पाउडर से। ये जो प्रोसेस है इसको हमने नॉर्मल लैंग्वेज में बोला है कि ये रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। तो ये तो एक आयरन हो गया, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो धीरे धीरे टार्निश होती हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्मड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। जब एक मेटल अटैक होता है किसी सब्सटेंस से जो उसके आसपास है, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेट टू कोरोड एंड दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि एक मेटल जब अटैक होता है किसी सब्सटेंस से जो उसके आसपास प्रेजेंट है, चाहे वो मॉइस्चर हो चाहे वो एसिड है, ऐसे में हम बोलते हैं कि वो कोरोड हो गया है एंड इस प्रोसेस को कोरोजन बोल देते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। जो कि कोटिंग होती है सिल्वर की किसके, मतलब ब्लैक ब्लैक हो जाता है सिल्वर काफी ज्यादा, ग्रीन जो कॉपर है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। कोरोजन की वजह से काफी नुकसान होता है डेली लाइफ में, कार बॉडीज को नुकसान पहुंचाता है, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो ये जो कोरोजन है ये काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है कार बॉडीज को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को, सारी चीजों को, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन एनर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। ये जो कोरोजन होता है आयरन का, ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि हर साल बहुत पैसा लगता है ये जो डैमेज हुआ है आयरन इसको रिप्लेस करने में। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर थर्ड। आप थर्ड चैप्टर में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। ठीक है, रेंसिडिटी बोला है। रेंसिडिटी क्या होता है? कभी आपने नोटिस किया कि कोई चीज जो खट्टी होती है या फिर जो फैट और ऑयली होती है उसके अंदर से क्या होता है ना, बहुत अजीब सा गंदा सा टेस्ट आता है जब बहुत दिन के लिए छोड़ दोगे। When fat and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कुछ टाइम के लिए हम कहते हैं वो रेंसिड कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज होता है। Usually substances which prevent oxidation are added to food containing fats and oil. Generally हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग ऑयल और फैट्स को स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो हम उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जो उस खाने को ऑक्सीडाइज ना हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर आप किसी एयर टाइट कंटेनर में फूड को रखोगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन काफी कम हो जाएगा। इसलिए मना करते हैं कि बार बार खुला मत छोड़ो क्योंकि उसमें हवा लगेगी, तो हम बंद करके रखेंगे एयर टाइट कंटेनर में तो काफी हद तक वो बचा रहेगा। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। आपको पता है कि जो लोग चिप्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं वो चिप्स के बैग में नाइट्रोजन भरते हैं। नाउ व्हाई दे फिल नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन फिल करते हैं तो जितनी भी ऑक्सीजन वहां पे होती है वो सारी की सारी वहां से रिमूव हो जाती है। तो आप हवा देखते हो वो ऑक्सीजन नहीं है, वो नाइट्रोजन है जिसको ऑक्सीजन उसको मतलब ऑक्सीजन को हटा दिया गया है उसके थ्रू। ठीक है, तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन हटाया जाता है एंड दिस इज यूज ताकि खराब ना हो खाना जल्दी से। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज द लास्ट पार्ट। हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है पार्ट्स बाय पार्ट्स। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन आंसर्स की जितने भी पार्ट्स हैं सब शेयर कर दूंगी, और सारे के सारे आप लोग प्लेलिस्ट पर भी चेक कर सकते हैं। टेंथ की बहुत सारी प्लेलिस्ट है, टेंथ साइंस की प्लेलिस्ट है, टेंथ क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट है, टेंथ की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, टेंथ की केमिस्ट्री,
टेंथ की बायोलॉजी, टेंथ की एसएसटी की भी अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस मैंने सब कुछ समझाया है, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अगर आपको कोई फीडबैक देना तो आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।